नमस्कार। आज मैं आपको धन, ज्ञान और विश्वास के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को पूरी सुनिए। विश्वास से हम अपने रिश्तेदारों, घर, समाज और देश को बचा सकते हैं। एक धन और ज्ञान और विश्वास तीनों मित्र थे। एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। साथ साथ पले बड़े, साथ एक साथ बड़े हुए। जब बिछुड़ने का समय आ गया कि वो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने अपने घर जाने लगे, तो धन ने कहा कि मैं तो आपको किसी व्यापारी के यहाँ मिल जाऊंगा। ज्ञान ने कहा कि मैं स्कूल और किताबों में मिल जाऊंगा। विश्वास ने कहा, यदि मैं बिछुड़ गया तो आपको कभी नहीं मिलूंगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। आजकल जो समाज में हो रहा है कि विश्वास के कारण हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, यहाँ तक कि देश भी टूट जाता है। तो हमें अपने विश्वास को कायम रखना चाहिए। विश्वास को बनाए रखिए, इससे हम अपने घर, रिश्ते, समाज और देश को बचा सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से मुझे यही कहना है कि सभी लोग अपने विश्वास से अपने रिश्तों को जोड़े रखें और अपने विश्वास को कभी टूटने न दें। चाहे वो गुरु या शिष्य के प्रति विश्वास हो, उस पर आप खरे उतरेंगे। आप खरे उतरेंगे तो आपका जो है फ्यूचर, जो है आपका भविष्य, जो है उज्जवल बनेगा। माता पिता इतने मतलब आपको उससे पालते हैं जैसे छोटा सा पौधा हम लगाते हैं और उसे पाल पोस कर, सींच कर बड़ा करते हैं। इसी तरह माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो उनका विश्वास भी मत तोड़िए और अपने रिश्तों में पति पत्नी का विश्वास मत तोड़िए, जो आजकल हमारे समाज में पहले इतना नहीं था, अब बहुत ज्यादा है कि रिश्ते बने नहीं, उससे पहले टूट जाते हैं। तो इसका कारण है एक विश्वास ही है। इस विश्वास को आप प्लीज बनाए रखें। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आगे के लिए फिर मिलते हैं एक मोटिवेशनल कहानी के साथ।